विश्वानि देवसपितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ ऊं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा तेजस्विनावधीतमस्तु मा शांति 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 ओम श्री परमात्मा ने नम सांख्यकारिका की कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है सांख्यकारिका के हम कारिका संख्या तेईस पर विगत कक्षा में चर्चा किए जिसमें बुद्धि के स्वरूप और बुद्धि के लक्षण प्रकृति का जो प्रथम विकार है वो बुद्धि तत्व है महतत्व है महतत्व का स्वरूप बताते हुए कारिकाकार ने कहा कि अध्यक्ष बुद्धि निश्चय करना ये बुद्धि का काम है यानी कि निश्चयात्मिका बुद्धि होती है और इसके धर्म क्या हैं तो यह जो बुद्धि है सत्व से अभिभूत रहती है तो चार धर्मों से युक्त होती है और फिर रजस और तमस से अभिभूत रहती है तो चार विपरीत धर्मों से युक्त रहती है तो जब सत्व प्रधान बुद्धि होती है तो उसके चार धर्म हैं ज्ञान धर्म वैराग्य और ऐश्वर्य जिसमें ज्ञान दो प्रकार का होता है आंतर बाह्य आंतर और बाह्य का मतलब बाह्य में अनंत विद अनंत शास्त्र बहुलस्य विद्या ये जो शास्त्र हैं ये विद्याएं हैं जो हम सांख्य योग न्याय वेदांत मीमांसा व्याकरण छंद ज्योतिष निरुक्त वेद इत्यादि जो हम अध्ययन करते हैं ये सब बाह्य ज्ञान में आते हैं और आंतरिक ज्ञान में आता है भगवत साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार तो ये दो प्रकार के ज्ञान बताते हैं और जिसका फल यह है, है। कि शास्त्र ज्ञान से व्यवहार चलता है और आत्मज्ञान से जो आंतरिक ज्ञान होता है उससे मोक्ष होता है दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होती है धर्म क्या है तो धर्म के विषय में कहा कि दया दान करुणा यम नियम इत्यादि जो सद्गुण बताए गए हैं वो सब धर्म के अंतर्गत आते हैं तो धर्म ज्ञान वैराग्य वैराग्य भी दो प्रकार का होता है वैसे मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है वैसे पांच प्रकार का वैराग्य हो जाता है पर वैराग्य और अपर वैराग्य ये मुख्य रूप से दो विभाग किए जाते हैं अपर वैराग्य मतलब थोड़ा निचला स्तर का वैराग्य पर वैराग्य मतलब सबसे उत्कृष्ट वैराग्य अपर वैराग्य के भी चार श्रेणियाँ होती है यतमान संज्ञा वैराग्य व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य एकेंद्रीय संज्ञा वैराग्य और वशिकार संज्ञा वैराग्य इसके अलग अलग कोटि हैं तो ये चार प्रकार के वैराग्य में जब से सबसे ऊंचा वैराग्य जो है वो शिकार संजय वैराग्य जो अपर वैराग्य में सबसे ऊंचा है क्योंकि उत्तरोत्तर बलवान है वैराग्य यानी कि प्रथम वाला निचले स्तर का है द्वितीय वाला उससे ऊंचे स्तर का है तृतीय वाला उससे ऊंचा चतुर्थ सबसे ऊंचा यानी कि अपर वैराग्य में जो सबसे ऊंचा वैराग्य है वह है वशिकार संजय वैराग्य जिसके विषय में महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में कहा दृष्टानुष्रविक विषय वित्रृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य इसका स्वरूप यह है कि दृष्ट विषय जैसे इस लोक के जो विषय हैं रूप रस गंध शब्द स्पर्श इनसे वितिष्ण हो जाना वितिष्ण का मतलब इसकी आसक्ति लालसा प्राप्त करने की इच्छा इसे सुख भोगने की इच्छा खत्म हो जाना लौकिक विषयों से उसको दृष्ट कहा जाता है तो लौकिक विषयों से उपरक्त हो जाना चित्त का अनासक्त हो जाना अटैचमेंट लगाव दूर हो जाना और साथ में ही आनुश्रविक विषय से भी वैराग्य हो जाना ये दोनों जब होते हैं तब जाकर के वशिकार संज्ञा वैराग्य उसको कहते हैं कहने का तात्पर्य है कि इसमें चित्त पर इतना वशिकार हो जाता है मन पर इतना नियंत्रण हो जाता है कि वो किसी भी प्रकार के विषयों से विचलित नहीं होता एकमात्र परमात्मा के अतिरिक्त यानी कि परमात्मा के लिए वो दृष्ट और अदृष्ट लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के विषयों से वितृष्ण हो जाता है अनुश्रविक अनुश्रव वेद अनुश्रव वेद को बोलते हैं क्योंकि गुरुमुख से मुख गुरुमुख के अनंतर शिष्य उसका श्रवण करता है उच्चारण करता है इसलिए अनुश्रव वेद और अनुश्रव यानी कि वेद में जो प्रतिपादित है वो अनुश्रविक वैदिक तो वैदिक विषय क्या है जैसे शास्त्र में कहा अग्निहोत्रम जिवात स्वर्ग काम अग्निहोत्र करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी इस देह का परित्याग करने के पश्चात दूसरे देह में स्वर्ग की प्राप्ति होगी इस प्रकार के जो लोक लुभावन वचन हैं इनसे भी जो विरक्त हो जाता है यानी कि देखे हुए और सुने हुए दोनों भी प्रकार के जो सुख के संसाधन हैं क्योंकि व्यक्ति इस जन्म में त्याग तो करता है लेकिन इस इच्छा को लेकर करता है कि अगला जन्म अच्छा होगा इसलिए मेरे को इसमें त्याग करना है ऐन्द्रिक रूप से त्याग तो कर देता है लेकिन मानसिक रूप से भी उसे अदृष्ट के सुख के प्रति लालसा बनी रहती है इसलिए वैसे वैराग्य को भी ऊंचा वैराग्य नहीं कहा गया इसलिए दोनों होना चाहिए इस लोक के भी विषय के प्रति भी तृष्णा होनी चाहिए और परलोक के विषय के प्रति भी स्वर्गादि के विषय के प्रति भी प्रति वित्रृष्णा होनी चाहिए और इस प्रकार से जब मन नियंत्रित हो जाता है मन पर ये जो मन के संकल्प शक्ति के बल पर होता है मन में मन के स्तर पर होता है इंद्रियों के स्तर पर नहीं होता क्योंकि वैराग्य जो है वो मन का धर्म है मन के स्तर से होता है त्याग जो होता है वो इंद्रियों के स्तर से होता है जैसे हमने रूप को देखना बंद कर दिया कि हमें अमुक अमुक रूप नहीं देखने हैं हमें रस का त्याग कर दिया कि अमुक अमुक रस हमें नहीं ग्रहण करना है क्यों क्योंकि ये हमारे भविष्य के लिए आध्यात्मिक मार्ग के लिए हमारे लौकिक और पारलौकिक उत्कर्ष के लिए हानिकारक है इस हेतु से हमने उसको संकल्प पूर्वक त्याग दिया लेकिन त्यागने के बाद ही मन में वृत्ति उठती है उसके प्रति आसक्ति वो रहती है तो मन में वो चीज़ रहती है जैसे हम उपवास कर दिए हमने जीवा के रस के निवृत्त त्याग कर दिया लेकिन रस के त्याग करने के बाद भी जब जब वो हमें भोजन दिखाई देगा तब तब हमें खाने की इच्छा होगी अब उसको संकल्प बल से हम दबा देंगे लेकिन इच्छा मन में रहती है उसे भोग भोगने की उसे प्राप्त करने की तो ऐंद्रिक स्तर पर जो विषयों का त्याग है उसे हम त्याग बोलते हैं और मानसिक रूप से मन के स्तर पर जो विषयों का त्याग है उसे वैराग्य कहते हैं इसलिए वशिकार का मतलब चित्त पर वशिकार मन पर वशिकार प्राप्त कर लेना और यही अपर वैराग्य में सबसे ऊंचा वैराग्य है और इससे भी ऊंचा वैराग्य है वह पर वैराग्य है तत्परम पुरुष ख्याते हैं गुण व्यतीष्णियम जिसमें गुण मात्र के प्रति विस्तीष्णा हो जाती है इस जगत का जो मूल कारण जिससे जगत बना है माया से सत्वरज तम से उसके प्रति भी उसकी वितिष्णा हो जाती है क्योंकि मूल में ही दोष देख लगता है और मूल में दोष दे करके मूल के प्रति ही व्यक्त हो जाता है कि इसका तो स्वरूप ही ठीक नहीं है एक स्वरूप किसी वस्तु का होता है तो उससे हम व्यवहार करने में सरल और अपने को सहज महसूस करते हैं जैसे कोई व्यक्ति के दो रोल हो, बार बार रूप बदलता हो बार बार अपना चरित्र बदलता हो हम उसको अच्छा नहीं मानते क्योंकि हमारे व्यवहार में हमारे जो व्यवहार हैं उस व्यवहार के प्रति वो खरा नहीं उतरता हम उसको व्यवहार में जैसे ही लाते हैं अमुक गुण को सोच करके तब तक रूप बदल देता है अपना चरित्र बदल देता है तो हम जो सोचकर उसके प्रति एक कामना लेकर के हम उससे जुड़ते हैं वो हमारी कामनाएं पूर्ति नहीं हो पाती तो हम चाहते क्या हैं हम सब चाहते हैं कि किसी एक वस्तु का एक धर्म निर्धारित हो ताकि हम उसका सदुपयोग कर सकें जैसे अग्नि का स्वरूप निर्धारित है कि वो गर्म होगी इसलिए जहाँ गर्मी का काम है हम उसको प्रयोग कर लेते हैं अब मान लीजिए कि अग्नि का दो तीन रूप हो जाए कभी अग्नि गर्म हो जाए कभी ठंडी हो जाए और उसका कोई समय नहीं है कब हो जाए अब हम गर्म करने के लिए अग्नि के लाए तब तक वो ठंडी हो जाए तो सोचिए इस प्रकार से व्यवहार यदि हो जाए तो कैसा होगा हमारी कामनाएं की पूर्ति ही ठीक से नहीं हो पाएगी तो हम क्या चाहते हैं हम सभी चाहते हैं कि वस्तुओं का गुणधर्म जैसे जड़ वस्तुओं में तो ठीक है उसके गुणधर्म बरकरार रहते हैं इसलिए हम उसको सदुपयोग कर लेते हैं लेकिन ये जो चेतन है ये मनुष्य हैं खासकर से मनुष्य चेतन में इनके चरित्र का कोई ठिकाना नहीं रहता कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कर देते हैं कभी कुछ संकल्प करते हैं और संकल्प खड़ा नहीं करते तो उनका एक चरित्र दृढ़ न होने के कारण व्यक्ति जो है उसको अच्छा नहीं मानता उसी व्यक्ति को अच्छा मानता है जो मर्यादित है जो अपने सिद्धांतों पर चलता है जो अपनी मानबिंदुओं पर चलता है जो अपनी मान्यताओं पर चलता है और दृढ़ रहता है तो कभी छोड़ता नहीं जैसे भगवान राम के विषय में कहा जाता है प्राण पर वचन न जाए कि वो यदि कह दिए आपको बात दे दिए जुबान दे दिए तो प्राण चली जाए अपने जुबान से हट नहीं सकते तो ऐसे व्यक्ति पर विश्वास किया जा सकता है और ऐसे व्यक्ति से हम अपने कामनाओं की सिद्धि भी कर सकते हैं देखो पता है कि इस व्यक्ति का यह स्वभाव है हम जाएंगे तो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका यह स्वरूप निश्चित है वो अपने सिद्धांत अपने धर्म में दृढ़ है इसी प्रकार प्रत्येक वस्तुओं के धर्म चाहे वो चेतन हो और अचेतन हो निश्चित रहने से ही समस्त व्यक्तियों के या समस्त उपयोग करने वाले जो चेतन है उसकी कार्य की सिद्धि होती है और यही बात जब योगी मूल कारण में देखता है प्रकृति में देखता है माया में देखता है तो कहता है कि इसके तो तीन रूप हैं सुखात्मक दुखात्मक मोहात्मक क्योंकि सत्व सुखात्मक होता है रज दुखात्मक होता है और मोह मोहात्मक होता है अज्ञानात्मक होता है विषादात्मक होता है अब एक रूप इसका निश्चय होता है तो इसके तो तीन तीन रूप है और जिसके दो रूप हो जाते हैं तो भी उसको जो है समाज में गाली दी जाती है इसका तो तीन रूप है और वो भी तीन कब कौन बदल जाए कब सत्व ऊपर हो जाए और कब रज ऊपर हो जाए कब तमस ऊपर हो जाए इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं इसलिए इस प्रकार के चरित्र संयुक्त जो प्रकृति है माया है उससे उसके दोष ये दोष है ये प्रकृति के दोष है वहां तक जब योगी देख लेता है तो जगत को तो छोड़िए जगत के मूल कारण माया तक से वो विरक्त हो जाता है कहते तो नहीं नहीं ऐसे के साथ हम आसक्ति नहीं बना ऐसे के साथ हम संबंध नहीं बना सकते जिसके तीन स्वरूप हो और तीनों में किसका कितने समय तक स्थिरता है वो भी नहीं कहा जा सकता सत्य जब ऊपर है सुख है तो कितने देर तक रहेगा ये नहीं कहा जा सकता दुख है तो दुख कितने देर तक रहेगा ये भी नहीं कहा जा सकता तो इस प्रकार के वो तीन स्वरूपों वाले पदार्थ के साथ मैं नहीं रह सकता मैं तो जो एक रस है जिसका एक ही सिद्धांत है एक ही स्वरूप है उसके साथ रह सकता हूं ऐसा होना भी चाहिए और वो स्वरूप परमात्मा तत्व है परमात्मा एक रस रहते हैं परमात्मा में किसी प्रकार के क्षोभ विचलन विकार नहीं होता वो सदा एक रस रहते तो इस कारण से वो परमात्म तत्व की ओर आकर्षित होता है तो ये वैराग्य के विषय में हमने थोड़ा सा प्रकाश किया और ऐश्वर्य जिसका वर्णन हमने कल किया कि आठ प्रकार का ऐश्वर्य होता है जिसे अष्ट सिद्धियाँ के नाम से जाना जाता है वो अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति ईशित्व वशित्व यत् कामावसायित्व ये आठ सिद्धियाँ हैं उसका हमने विचार विस्तार से वर्णन कल किया था अब उसके आगे क्योंकि वर्णन चल रहा है प्रकृति के जितने विकार हैं उनके क्या क्या लक्षण हैं क्या धर्म हैं उनका स्वरूप क्या है तो सबसे प्रथम जो विकार है महतत्व यानी कि बुद्धि तत्व उसके विषय में अभी हमने तेईस कारिका में वर्णन किया और उसको देखा अब इसके आगे वाले क्या हैं तो जो दूसरा विकार है प्रकृति का वो अभिमान है अहंकार है क्योंकि प्रकृति ऊपर प्रकृति का प्रथम विकार महातत्व बुद्धि को कहते हैं और फिर के बाद अहंकार तत्व तो अब अहंकार का क्या स्वरूप होता है इसके लिए कारिका काकार ने कार्य संख्या चौबीस में कह रहे हैं अभिमानहंकार तस्मा द्विविध प्रवर्तते सर्ग एक गण तन्मात्र पंचक कर है कि अभिमान अहंकार ये जो अहंकार होता है ये अभिमान ही अहंकार है जिस प्रकार से अध्यसायो बुद्धि कहा उसी लहजे में उसी शैली में वर्णन किया है वहाँ पर धर्मधर्मी को अभेद करके कथन किया गया था अध्यसाय बुद्धि नहीं यानी कि अध्यवसाय करने वाली बुद्धि है निश्चय बुद्धि नहीं अभी तो निश्चय कराने वाली बुद्धि है इसी प्रकार यहां पर अभिमान को अहंकार कहा गया है तो अभिमान अहंकार नहीं अभी तो धर्मधर्मी को अभेद करके अभिमान कराने वाला अहंकार होता है तो अभिमान अभिमान क्या है मैं हूं यह जो मैं का बोध है यही अहंकार है अहंकार शब्द की व्यत्पत्ति ऐसी की जाती है अहंकार जैसे कुंभकार कुंभम करो तीति कुंभकार जो कुंभ करता है कुंभकार है ऐसे ही अहम करो थी अहंकार मैं को करता है यानी कि मय पने की जो अनुभूति प्रत्येक प्राणी के अंदर आती है वो स्वयं संवेद्य है इसका हम दूसरे को नहीं दिखा सकते लेकिन अपने आधार पर हम दूसरे में अनुमान करते हैं कि जैसे हमें मैं की अनुभूति हो रही है और इस मैं की अनुभूति पूर्वक ही कोई कार्य होता है जब तक से मैं का बोध नहीं रहेगा तब तक से कोई कार्य नहीं होगा बिना मैं का कोई कार्य इस जगत में हो ही नहीं सकता इसलिए चाहे योगी हो अथवा सामान्य व्यक्ति हो वो अहंकार के प्रयोग पूर्वक ही जगत में कोई कार्य करने में सफल होता है लेकिन अंतर होता है योगी भी कार्य करता है अहंकार का प्रयोग करके और सामान्य व्यक्ति भी अयोगी भी अहंकार से ही कर्म करता है लेकिन दोनों को कर्म करने में अंतर ये होता है कि योगी अहंकार के प्रयोग करता है जबकि सामान्य व्यक्ति अहंकार के अधीन होकर के कर्म करता है ये अंतर होता है दोनों में अहंकार का विनियोग देखा जाता है बिना अहंकार के कोई कर्म होते नहीं परंतु एक अधीन होकर के कर्म करता है अहंकार के जबकि एक अहंकार का प्रयोग करता है अहंकार को नियंत्रण में लेकर के कब मेरे को मैं कहना है जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में तो अनेक बार मैं मैं कहे हैं मैं ये हूँ मैं ये हूँ मैं मैं माम में कम ब्रज इत्यादि मैं मैं कितना करें अब उनको उनके बचनों को कोई सुनकर कोई कहे कि तो देखिए कितने अभिमान है कितने अहंकार भरे पड़े हैं इनमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव मैं शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं ये अभिमान है ये अभिमान, है, ये अभिमान है, ये नहीं ये अहंकार नहीं है ये अहंकार कह सकते हैं लेकिन अहंकार का ये प्रयोग है अहंकार के अधीन होकर के वो लोग नहीं बोलते यही अंतर होता है एक नियंत्रण में करकर अहंकार कर को अपने नियंत्रण में लिया और विवेक पूर्वक उसको कार्य में विनियुक्त किया और एक व्यक्ति अहंकार का अधीन होकर कर्म कर देता है अहंकार का नियंत्रण नहीं होता उसको तो ये अंतर होता है लेकिन दोनों में अहंकार रहेंगे मैंपन तो दोनों में रहेगा क्योंकि जब वो बोलेगा या जो अब अस्तित्व में आएगा जब व्यवहार में आएगा तो उसको मैंपन की अनुभूति होती ही है तो इसलिए अभिमानो अहंकार है जो अभिमान है जो आ, मम और मैं और मम अहम और मम अहमत्व और ममत्व ये दो बातें कही जाती है यही अहंकार है मैं और मैं से संबंधित ही मेरा हो जाता है क्योंकि मैं स्वरूप मान लेता है मैं का मतलब ये होता है कि मैं जो है ये क्या है तो वो जो पुरुष तत्व है चेतन तत्व है जब बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है तो बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य मैं है अभी थोड़ा गहन इसको जब हम विस्तार से पढ़ेंगे शास्त्र वहां पर और विवेचन करेंगे लेकिन सामान्य रूप से जब बुद्धि जो छिन्न जब बुद्धि होती है वही ममत्व है ममत्व वही है तो इस प्रकार से क्योंकि बुद्धि पहले बन चुकी है महत्व तो पहले बन चुका है और महत्त्व में चैतन्य का जब प्रतिबिंब पड़ता है तो वो ममत्व के रूप में होता है मैं की अनुभूति करता है और जैसे ही मैं अनुभूति करता है फिर मेरा वहां से शुरू हो जाता है और मैं के बाद जो अब जगत का विस्तार हुआ है वो इंद्रियों का हुआ है तर्मात्र का हुआ है क्योंकि मेरे पना में सबसे नजदीक जो है वो हमारी इंद्रियां है मेरा मन मैं के बाद मेरा मन मैं और मेरा मन मैं और मेरी इंद्रियां, मैं और मेरा शरीर तो पहले मैं और उसके बाद मेरा शुरू होता है क्योंकि मैं के बिना मेरा का कोई अस्तित्व ही नहीं है अहम पहले होता है और मम बाद में होता है इसलिए जब शब्द रूप भी चलाते हैं तो वहां पर अहम को पहले रखा जाता है और मम को बाद में रखा जाता है तो इस प्रकार से ये इसका पूरा विस्तार है तो अहंकार क्या है अभिमानो अहंकार है द्विविध प्रवर्तते स्वर्ग स्वरूप समझ में आ गया कि जो अहंकार है वो अभिमानात्मक है अभिमान कराने वाला है मैं और मेरे की अनुभूति कराने वाला जो तत्व है एक अदृष्ट तत्व बस उसको हम अनुमान लगाते हैं कि वह अनुभव में तो आ रहा है तो अनुभव में आ रहा है तो किसी न किसी कारण से आ रहा होगा तो वो कारण तत्व जो है वो कर्ण के रूप में है साधन के रूप में है और वो है अहंकार और अहंकार के बाद क्या होता है दो प्रकार के स्वर्ग उत्पन्न होते हैं द्विविध प्रवर्तते स्वर्ग वो कौन से हैं एकादश कश्य गण तन्मात्र पंचकश उस अहंकार से एकादश गण गण का मतलब समुदाय एकादश समुदाय क्या है पांच ज्ञान इंद्रिय पांच कर्म इंद्रिय और एक मन ये अहंकार से प्रवृत्त होते हैं और फिर दूसरे तरफ पंच मात्र की उत्पत्ति होती है तो एकादशक्र पंचकश पंच तनमात्र उससे उत्पन्न होते हैं तो इस अहंकार के दो कार्य हैं। एकादश इंद्रियां और पंच तन्मात्र अब आगे क्या है इसकी कैसी उत्पत्ति हुई कि भाई एक ही अहंकार तत्व से दो प्रकार के सृष्टि हुई एक तरफ एक इंद्रियां इंद्रिया और दूसरी तरफ पांच तन तो एक ही कारण से दो कार्य कैसे हो गए उसके लिए कार्य कह रहे हैं कार्य का संख्या पच्चीस में सात्विक एकादश कवर्तते वैकृता दूता दे त्र साम सस्त सा देखिए सात्विक एकादश प्रवर्तते वैकृताद वैकृत पारिभाषिक शब्द है शास्त्र के शब्द हैं अपने वैकृत बोलते हैं सात्विक को यानी कि वैकृताद सात्विक अहंकार से अहंकार तो अपना स्वरूप उसका जो है सो है उसी अहंकार में अब गुणों में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है क्योंकि अहंकार त्रिगुणात्मक है तम उसमें है तीनों तो त्रिगुणात्मक अहंकार में अब थोड़ा सा अनुपात बदलता है गुणों में तो गुणों का जब अनुपात बदलता है उस में सत्व प्रधान जो अहंकार होता है उसको वैकृत अहंकार बोलते हैं सत्व प्रधान अहंकार यानी कि सात्विक अहंकार जो होता है जब अहंकार में सत्व प्रधान होता है तब उसके परिणाम स्वरूप जो वस्तुएं बनती है वो ग्यारह इंद्रिया बनती है इस कारण से बनती है क्योंकि इंद्रिया ज्ञानात्मक है ज्ञान कराती है ये जो इंद्रिया हैं हमारी ज्ञान कराती है ज्ञान से सीधा संबंध है इसका इस कारण से ज्ञान जो है वो सत्व का काम है प्रकाश क्रिया तो ज्ञान का धर्म है इसलिए सत्व प्रधान अहंकार से इंद्रिया प्रवृत्त होती है तो वैकृत अहंकारात सात्विक एक प्रवर्तते वैकृत अहंकार से सत्व प्रधान क्योंकि वैकृत को सात्विक ही सत्व प्रधान अहंकार उसको वैकृत अहंकार तो उस सत्व प्रधान अहंकार से ग्यारह प्रकार के सात्विक इंद्रियां क्योंकि ये सब सात्विक है सत्व तो प्रधान है इनकी उत्पत्ति होती है और भूतादे तन्मात्र सत्तामस तैजसाद उभयम् और जो भूतादि हैं तन्मात्र भूतादे है, तामस स तन्मात्र जो भूतादि यानी कि भूतों के आदि में भूतों का आदि में क्या है सूक्ष्म भूतों के भूतों का मतलब यहां पर सूक्ष्म भूत है सूक्ष्म भूत तन्मात्र हैं और उसके आदि में जो है वो अहंकार है इसलिए यहां पर भूतादे शब्द से अहंकार को लिया जाता है भूतों के आदि में यानी कि सूक्ष्म भूतों के आदि में अहंकार है तो उस अहंकार से क्योंकि वो तामस अहंकार है तमस प्रधान अहंकार से तन्मात्र तन्मात्र की उत्पत्ति होती है तमस प्रधान अहंकार से तन्मात्र की उत्पत्ति होती है और फिर प्रश्न उठता है कि अहंकार तो तीन तत्वों से बना है तीन उसमें अब जब हैं उसके सत्व भी है रज भी है तम है तो सत्व प्रधान से तो क्या एकादश इंद्रियां बन गई रजस तमस प्रधान से पंच तन्मात्र बन गए तो ये रजस कहाँ गया इसका क्या विकार है इससे क्या बनता है रजस प्रधान अहंकार से क्या बनता है इसका बताया नहीं दो ही विभाग किए तब कारिका कार कार का है कि तैजसाद उभयम से कहा जाता है तेजस जो है जो रजस है वो उभयम दोनों तरफ बढ़ जाता है दोनों तरफ इसलिए बच जाता है कि रजस का परिणाम दोनों है दोनों इसलिए है कि सत्व जो होता है या रजस होता है वो स्वरूपतः निष्क्रिय होते हैं चंचलता केवल रजस का धर्म है और प्रत्येक वस्तु को प्रणमन होने के लिए क्रिया चाहिए बिना क्रिया के कोई वस्तु परणमित हो ही नहीं सकती और क्रिया किसमें होता है रजस में होता है सत्व और तम में क्रिया होती नहीं क्योंकि क्रिया रजस का धर्म है इसलिए वो रजस दोनों तरफ यानी कि सत्व प्रधान अहंकार में जो रजस गया वो सत्व को विकृत करके इंद्रियों का रूप दे दिया और जो तमस प्रधान अहंकार में रजस गया तो वो तमस को क्रियाशील बना करके तन्मात्र के रूप में परिणत कर दिया इस प्रकार से तैयसा उभयम जो रजस है वह दोनों तरफ बढ़ जाता है तो सत्व और तम ही प्रणमित होते हैं यानी कि प्रणमन जिसमें होता है वो सत्व और तम है रजस इनको प्रवृत्ति बनाए रखता है इनके कार्यों में विलुक्त इनको करता रहता है यही रजस का परिणाम है रजस का अलग से कोई परिणाम नहीं है अभी तो सत्व को सत्व प्रधान विकार करने में तम को तमस प्रधान विकृति प्रदान करने में जो सहयोग करता है वही उसका परिणाम है इसलिए अलग से नहीं कहा तेजसाद उभयम तेजस जो है यानी कि रजस जो है वो दोनों तरफ बट जाते हैं तो इस प्रकार से कार्य कार ने यहाँ पर अहंकार के दो प्रकार के सर्ग बताए आगे हम और विस्तार से चर्चा करेंगे आज की चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं शेष अगले अंक में शांति शांति शांति